नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। मैं अमर मणि मिश्रा कैमरामैन संदीप के साथ अभी हम आए हुए हैं ये बमनान में, और बमनान क्षेत्र का ये एरिया है नगर पंचायत का, और विधायक जी यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ इनसे बात करना चाहेंगे और कुछ मुद्दों पे भी बात करना चाहेंगे कि एक्चुअल उनका क्या सोच है और क्या करने वाली है सीट भी यहाँ पे कुछ पता करेंगे क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? प्रभात वर्मा विधायक गौराकुंडा। प्रभात वर्मा जी विधायक गौराकुंडा। विधायक जी हैं बीजेपी से, तो विधायक जी से सवाल बनता है। विधायक जी हमको बताइए, जो यहाँ पे अभी फिलहाल बस्ती में पूरे जो सीट का बंटवारा हुआ है वो सही हो गया है क्या बीजेपी की तरफ से? बड़े बागी हो गए ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पार्टी ने जिसको टिकट दिया वही पार्टी का प्रत्याशी है, ठीक, और उसके आगे कुछ नहीं। नहीं, उसके अभी कुछ लोगों को बागी उससे नहीं बात, उससे क्या मतलब? जो पार्टी बताए कि बागी थे हम उनको निकाले। हर पार्टी में एक एक सीट के लिए 8 लोग टिकट मांगते हैं, किसी एक को मिलता है, बाकी सब पार्टी समर्थन में रहते हैं। जो बागी होगा वो पार्टी से निकाला गया होगा, बात तो विधायक। बाकी जो हमारे प्रत्याशी, सभी पार्टी हमारे प्रत्याशी हर जगह चुनाव जीत रहे हैं, और हाँ हर जगह पूरा बस्ती में और आपके पूरे प्रदेश में, बस्ती में पूरे प्रदेश में, और हमारे यहाँ बबनान में एक तरफा चुनाव है, बबनान में जीत रहे हैं प्रत्याशी। बबनान में फिर आए हम आपसे जब बात करें ऑन कैमरा, तो आप वो चीज़ बताइए हमको। बबनान में आप जब आए इस क्षेत्र में, आपको क्या लगा कि बबनान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन मलानी जी भारी मतों से जीत रहे हैं? मतगणना 13 को होगी तो देखिए, भारी मतों से जीत रहे हैं। हर वर्ग के लोगों का जन समर्थन उनको प्राप्त है, वर्ग के समर्थन लोगों का। अच्छा, एक बात बताइए, अभी एक शहीद खान जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, बड़े तेजी से हो रहा है, वो कुछ लोगों को समझ लीजिए धमका क्या गाली दे रहे हैं, हम कहेंगे बड़े अपशब्द का उसमें प्रयोग हुआ है उस ऑडियो में, आप उसके बारे में? ऑडियो वीडियो से कोई मतलब नहीं है, उनका ऑडियो है उससे हमसे क्या मतलब। लेकिन अगर जिन लोगों के बारे में कहा है वो लोग दरखास्त दें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, उनको बोलना क्या चाह रहे हैं? एक्चुअल आहत होते हैं लोग, तो सपा का क्या मतलब, सपा से ही है और सपा की कुछ विचारधारा के बारे में आप बता दीजिए। उसकी विचारधारा से हमसे क्या मतलब? सपा की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भारत माता की जय राष्ट्रवाद, सपा की विचारधारा आप नहीं जानते क्या है? गुंडा राज सपा विचारधारा है, हमारी पार्टी विचारधारा राष्ट्रवाद है, विकास। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी एक बात बताइए हमको, जैसे कि यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष इससे पहले भी दो बार वो रह चुके जो चेयरमैन साहब सहित जी, अब की बार कुछ जगह हम भी गए हैं, लेकिन अभी भी कोई व्यवस्था, बहुत सारी नालियाँ वगैरह सब ऐसे ही गंदी पड़ी हुई हैं, व्यवस्थाएं थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। बीजेपी सरकार है, पूरी बात हमारी नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी सरकार है प्रदेश में, केवल नगर अध्यक्ष होने से क्या ऐसा होता है क्या कि नगर अध्यक्ष? ये सवाल आप पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ माने जाते हैं, ये सवाल उनका है, उनसे पूछना चाहिए। हम यहाँ विपक्ष में हैं, हम पहले बात सुनिए, हम यहाँ विपक्ष में हैं, हमारा प्रत्याशी चुनाव हार गया था, इस बार हमारा जीतेगा, तो ये सवाल फिर हमसे करिएगा। और जहाँ तक उनकी बात है, उन्होंने क्या किया, क्या घोटाला किया, हमारा चेयरमैन बनेगा, हम बबनान टाउन एरिया की जाँच कराएंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। भारत माता की जय।